खत्म हो गई है ना भी, मैं अंदर ही अंदर खत्म हूँ। सिर्फ तेन को चट्टा चा नजर आना, इस तो पहले बेटा फौत हो गया सी, तो बाद बिच ये वाकया हो गया। मैं चार महीने सो के नहीं देखे, मैं हर बंद ने पूछ नहीं सकते, वैसन नहीं देखे, किसी ने देखे तो कोई ना कोई, मैं देखे वैसन पता ही कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। मेरे साथ मौजूद है अवैस, जिसकी 8 साल पहले जिसने लव मैरिज की, और अवैस की वालदा तकरीबन 2 साल पहले इसकी वाइफ जो इससे लड़ाई करके झगड़ के अपने घर चली जाती है वापस, 3 इसके बच्चे हैं। जब वापस चली जाती है इसके नाम तकरीबन 14-15 लाख की जगह, जितना भी इसके नाम प्रॉपर्टी थी सब कुछ बिकवा के ज़बरदस्ती कि अपनी जगह बेचो, हमने अलहदा, इनके 3 बच्चे हैं। जब चली जाती है इस तकरीबन इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी सेल आउट करके, और फिर बाद में पता चलता है कि अवैस को अगवा करवा दिया जाता है, और अगवा होने के बाद तकरीबन 4 माह गुजरने के बाद अवैस का जब इसका घर वालों को पता चलता है तो अवैस अपने घर के बाहर चौक पर फुटपाथ पर बैठा नज़र आता है। और हैरान कन बात यह है कि जब अवैस घर आता है तो इसे चला नहीं जा रहा होता, घर वाले परेशान होते, शायद पता नहीं क्या वाकया हुआ कि अवैस चल क्यों नहीं पा रहा, मसला क्या है। उसके बाद जब अवैस का अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है, ट्रीटमेंट करवाया जाता है, तो पता चलता है कि अवैस का एक गुर्दा ही नहीं है। अवैस से जानता हूँ कि आखिर ये सारा माजरा हुआ क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अवैस कैसे हो आप? ठीक ठाक। अवैस, 8 साल पहले आपने शादी की, तो आपको अंदाज़ा नहीं था कि ये मेरी बीवी मेरे साथ कभी ऐसा भी कर सकती है? गल यह हुई कि वह 8 साल मेरे को रही है, लिहाजा मैं इन्हों के माँ बाप को ना मिलता जुलता सा, ना मैं जानता आंदा सा। लव मैरिज शादी सी, सुलह हुई है, वह आन लग पैने मेरे को इन्हें लड़ाइया झगड़े पा दिते ने कि अपना हिस्सा लिया सी, किराया तो नहीं रह सकते, 3 बच्चे ने खर्चा कितों करना, मैं लड़ाई झगड़ा करके घरों हिस्सा लिया तो पैसे इन्हें क्या मेरे पापा दे दे, मैं जगह ले लाँगे, मकान तेनों लै देने उ, अपना नहीं आएगा ग्रो आएगा, मैंने कहा ग्रो लै दो। इन्होंने पैसे रखे ने तो मैंने 2-3 दिन मोटरसाइकिल लै के खप्पे सजे फिरता रहा, तो इन्होंने पैसे खा पी लै, कोई मकान नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। तो रात सी छोटी, इधर 2-3 दिन सी, मारू का दिन सी, मैं खाना खाधा, खाने तो बाद नहीं मैंने पता मेरे नाल की होया। 4 माह जिते रह के एक कमरा सी उहदे च कैद सा, उस जो इन्होंने बाहर कढ़े कि जंगले वाली पीकअप लैके जाते लैके उस वापस आते टैस कराते, ये ही वो तुम पेंड से दर्द हो रही, इन्होंने उत्तर ऑपरेशन कराता, जो उतो सू हस्पतालों बहर क्या इन्होंने उत्तर पेमेंट वसूल की है, अल्लाह जानता है वो 10, 14, 15 खुदा जानता, मैं नहीं देखे पैसे इन्होंने फड़े ने, क्योंकि मैं एक खिड़की सी, मैं इन्ना इलम नहीं है कि इन्होंने किन्ने पैसे उतो फड़े ने, इन्होंने उतो मैंने लिया के इतने मेरे घर सुट्टा। जो मैं कुरकी हॉस्पिटल गया, मैंने तकलीफ होंगी सी, कुरकी गया, उन्होंने कहा अल्ट्रासाउंड करो, उन्होंने कहा इतों पेंडस का ऑपरेशन नहीं होंगे, उतों जाके अल्ट्रासाउंड कराई, उन्होंने कहा यह गुरदा नहीं है, शालीमार हॉस्पिटल गया, उन्होंने कहा यह गुरदा नहीं है, चीखाले गया, उन्होंने कहा यह गुरदा नहीं है। जो मैं घर आया उस वापस चले गई अपने प्यो को, बच्चे नाल लै गई, वापस नहीं आई, ठीक है। उस तो बाद मैनू दर बदर जलील करते पे ने, 3-4 हुई इन्हें मैंने शालीमार चौंक के कुटिया। अच्छा, इन्होंने इस वाक्य की रिपोर्ट भी करवाई, इनको मुनावा का थाना लगता है, मुनावा में इनकी रिहाइश है, लेकिन बदकिस्मत ही है कि हमारी पंजाब पुलिस की कारकर्दगी देख लें कि मसला सिर्फ ये है कि इनके पास पैसा नहीं है, इनका असर वसूत नहीं है, इनके पास दौलत नहीं है, इनके पास पावर नहीं है, इसलिए इनका मुकदमा नहीं आगे चल सकता। मुनावा के SHO ने इनके साथ कोई तआवुन नहीं किया, तकरीबन 2 साल इस वाक़े को हो गए हैं, और मकसद यह है कि इस वाक़े को जितना उजागर हो सके किया जाए ताकि वो ग्रोह गिरफ्तार हो सके। अवैस की वालदा मेरे साथ मौजूद है, हिस्सा भी ले लिया, मैं इन शादी ये नहीं कर ली सी, मैं आप करता सी कि तू इस बीवी को छोड़ दे, ये तेरा नुकसान करेगी, लेकिन इन्हें नहीं सी छड़िया, इहदी मर्जी सी। तो माँ जी, वाक्य को 2 साल हो गए हैं, आपसे किसी ने राबता भी नहीं करती पुलिस वगैरह, तो किस तरह कहा जा रहा है कि धमकियाँ भी मिल रही? धक्के खा लिया ने, ये जो 1 महीना 2 महीने गुजरते सी ना, 15 दिन गुजरते सी, जेडे नजायज़ तलकात वाले आदमी होंगे सी ना, इन वो बिठाए होंगे सी, ये कहते कि घर मेरे क्यों देने, कहते सेम नहीं चाहिए, मैं बलोना मारती सी, जुल्म करती सी, और सानू नहीं सी दसता, सानू इस चीज़ का नहीं पता, सानू ये छोटी ईद वाले दिन इन मारे, पहले भाई ने पूछ लो चौंक, चल मर चौंक, भाई ने मारिया से, चल मर चौंक के बच्चे इन्होंने जुल्म किए ने, फिर इतने घर आया, घर आने के इन्होंने जुल्म किए ने, उनके जो हूँ सब कुछ खत्म हो गया, माँ बाप वालों फर्क मैं करता, सड़कों पर आ गया, हूँ मैं जो मर्जी कर सकता। तो
माँ जी पता चला जो बेटे का गुर्दा कटता है तो एक माँ बच्चे तो आँच आ जाए तो माँ के आंसू निकल आते हैं। माँ खत्म हो गई इन्हों की, मैं अंदर अंदर खत्म हूँ, सिर्फ तीन बच्चा ढांचा नजर आना। इस तो पहले बेटा फौत हो गया, तो बाद वाक्य हो गया, मैं चार महीने सो के नहीं देखे, मैं हर बंद पुछ नहीं सकते, वैसे नहीं देखे, किसी ने देखा हो तो कोई ना कि मैं देखे, वैसे पता ही कोई नहीं। चार माह बाद मिले मैं। माँ जी चार महीने से बच्चा एक दिन घर ना हो तो गुजारा नहीं होता माँ का, तो माँ ने चार महीने किस तरह गुजार लिया? सड़कों के कमली हो गई, बाजार कमली हो गई, मैं अपने दियोर खिला नहीं सके, जो देख के आओ ससुराल तो नहीं की, उत्थे तो नहीं बैठा, देख के आने नहीं उठे। इनको इंसाफ दिया जाए, माँ के आंसू तो वो तो निकलते रहेंगे, एक बेटा वैसे चला गया था और एक बेटे के साथ ये हालत हो गई है। उम्मीद है कि इंसाफ इनको इंसाफ दिया जाएगा, और जो ग्रो है इस पर घेरा तंग किया जाएगा, इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अपने मेज़बान आरिस भट्टी को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज़।